हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक नया NFO के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है। उस NFO का नाम है आदित्य बिरला सनलाइफ क्वांट फंडाइड ग्रोथ NFO। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये NFO आपके म्यूचुअल फंड में कब कन्वर्ट होगा, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या रख सकते हैं, मिनिमम लमसम, इसका एग्जिट लोड, इसकी स्टॉक होल्डिंग क्या रह सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अप्रॉक्स रिटर्न, वो भी रिटर्न हम लोग देखेंगे एक दो अदर जो है क्वांट म्यूचुअल फंड को कंपेरिजन करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आदित्य बिरला सनलाइफ क्वांट फंड डायरेक्ट ग्रोथ का जो NFO है ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आने वाला है और ये एक थीमेटिक कैटेगरी के अंदर है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसका जो लॉन्च डेट है वो है 10 जून 2024 और इन डेट है 24 जून 2024, और ये NFO आपके म्यूचुअल फंड में जो कन्वर्ट होगा वो होगा 28 जून 2024 को, और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का जो NAV रहता है 10 रुपया, तो ये भी सेम है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स कितना आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल सकता है ये मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा, और स्टाम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लेनेशन की बात करते हैं तो सेम टैक्स इम्प्लेनेशन इसके अंदर भी रखा गया है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपये का लमसम करना होगा, और अगर आप SIP करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये का आपको यहाँ पर SIP करना होगा। इसकी फंड मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, उससे पहले हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,45,543 करोड़ का। बात करते हैं आदित्य बिरला सनलाइफ क्वांट फंडाइड ग्रोथ NFO, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आएगा, और ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड, ये स्टार्ट हुआ 23 दिसंबर 1994 को। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,45,543 करोड़ का, और लेटेस्ट NAV है 10 रुपया। बात करते हैं आदित्य बिरला सनलाइफ क्वांट फंडाइड ग्रोथ NFO, ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का रखा गया है और मिनिमम लमसम आपको 1000 रुपये का करना होगा। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा, और इसके फंड बेंचमार्क को देखते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या छूट रहा है, तो सबसे पहले जो छूट रहा है अप्रॉक्स रिटर्न, इसकी एक्सपेंस रेशियो और इसकी स्टॉक होल्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे एक दो क्वांट फंड देखते हैं और उसी से कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं। एक हमने यहाँ पे लिया है एक्सिस क्वांट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो इसका भी अगर देखेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर है, और काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसका यदि हम लोग रिटर्न देखें तो एक महीने में लगभग 4.35% का रिटर्न है, 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में लगभग 18% का रिटर्न दिया है, 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 36.71% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 19.22% का। तो यहाँ पे ओवरऑल यदि आप एनुअल रिटर्न देखेंगे आदित्य बिरला सनलाइफ क्वांट फंड का, तो आपको करीब 20-25% का आपको एनुअल रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनका अब एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो इससे पहले इसकी स्टॉक होल्डिंग में देखते हैं, इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन जो रहने वाला है आदित्य बिरला सनलाइफ का, तो लगभग सेम रहेगा जो कि फाइनेंशियल पे रहेगा, एनर्जी पे, ऑटोमोबाइल पे, हेल्थ केयर पे, कंज्यूमर स्टेट्स पे, कंस्ट्रक्शन पे, अदर्स पे, सर्विस पे और टेक्नोलॉजी पे, यानी कि इक्विटी सेक्टर एलोकेशन आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पे परसेंटेज में चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने परसेंटेज के बारे में आपके साथ डिस्कस नहीं किया, आपके साथ सिर्फ इक्विटी सेक्टर एलोकेशन जो मैंने आपको दिखाया। अब जो एक चीज़ छूट रहा है इसकी एक्सपेंस रेशियो पे, तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है एक्सिस का वो है 0.69 का,
तो अप्रोक्स आदित्य बिरला सनलाइफ का वो 0.5 से लेकर के 0.7 का जो है आपको एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सनलाइफ क्वांट फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।